हिंदी संभावनाएं और चुनौतियां आज विज्ञापन है और आज सबसे बड़ा हथियार जो है वह सोशल मीडिया है। साइबर इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, बहुत सारे सोशल मीडिया है। हमें क्या जानना पड़ेगा कि आज अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्या हिंदी में इन सारे क्षेत्रों में कोई संभावनाएं हैं? अगर संभावनाएं हैं तो उनके मार्ग में और कौन कौन सी चुनौतियां हैं? आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, हम जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा का सम्मान मिला, दर्जा दिया गया है। हिंदी केवल राजभाषा नहीं है, यह एक ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान में एक साथ राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा इन तीनों रूपों में आसीन है। सबसे ज्यादा जहां हिंदी का प्रयोग होता है वह है बोलचाल की भाषा में, संपर्क सूत्र के रूप में हिंदी भाषा को जानते हैं। और हिंदी विभाग के विद्यार्थी हिंदी को हिंदी भाषा की तरह ही नहीं पढ़ते हैं बल्कि उसके अपना एक कैरियर भी तलाशते हैं। तो एक और संचार क्रांति है, दूसरी और हिंदी भाषा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं 1990 के दशक में जब पहली बार हिंदुस्तान में मीडिया जो है वह ग्लोबलाइज होता है, गुलाबी रंग की नीति जब भारत में आती है, उस समय आप देखेंगे कि अचानक से भारत में न्यूज चैनल्स की संख्या बढ़ती है। जो एक केवल दूरदर्शन चैनल हम देते थे, हमारे पास आज 500 से अधिक चैनल्स हैं। तो शुरुआती दौर में जब चैनल्स आए तो वह ज्यादातर न्यूज चैनल्स वगैरह, इंटरटेनमेंट चैनल्स वगैरह सारे अंग्रेजी में थे, लेकिन आज मैक्सिमम चैनल्स, अधिकतम चैनल जो है वह हिंदी में आ गए हैं। यहाँ तक कि वे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने अपनी शुरुआत अंग्रेजी को लेकर की थी, आज उनको हिंदी में उतरना पड़ा, क्योंकि हिंदी हमारी ताकत है। हिंदुस्तान में बिजनेस करना है तो हिंदी भाषा को अपनाना पड़ेगा। हिंदी भाषा और भाषा की तरह नहीं है जिसे आप दरकिनार करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आज हिंदी बाजार की भाषा बनी है, किस प्रकार से आज हिंदी विज्ञापन की भाषा बनी है? जब हिंदी मीडियम कॉलेज में पढ़ा उस समय यह प्रश्न उठता था कि साइंस की किताबें हिंदी में कैसे आएंगी, हिस्ट्री की किताबें हिंदी में कैसे आएंगी? आप केवल ऑर्डर दीजिए, ट्रांसलेशन करने वाला बैठे होंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई विज्ञान नहीं है जिसे आप हिंदी में नहीं।